तो सिटी पैलेस के बाद अब हम आ चुके हैं जंतर मंतर। अब जंतर मंतर में हम लोग एंटर कर रहे हैं, हमने कंपोजिट टिकट ले लिए सो दैट कल भी हमारे काम आ जाए, जिसमें हम लोग आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट वगैरह बाकी चीज़ें कवर करेंगे। तो ये एंट्री है, चलो एंट्री करा लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। जयपुर के सबसे पहले यहाँ के राजा थे, उनका नाम था सवाई जयसिंह सेकंड। उन्होंने इसे बनाया था 1728 के अंदर, लगभग 300 साल पहले। तो यही नहीं, बाकी जो वो चार जगह बने हुए हैं वो भी उन्हीं के बनाए हुए हैं। तो ये जो सामने आपको फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहा है सर, एक वॉच और घड़ी है जिसपे हम लोग टाइम देखेंगे अभी। ये घड़ी जयपुर का लोकल टाइम दिखाती है, हम लोग चलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से। यू नो जयपुर लोकल टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दोनों में डिफरेंस होता है, और ये 10 मिनट से लेके 41 मिनट तक जा सकता है। और आज का डिफरेंस है सर वो है 16 मिनट एंड 16 मिनट। जो टाइम मैं घड़ी पे दिखाऊंगा अभी आपको, जयपुर का लोकल टाइम आएगा, तो डिफरेंस हम ऐड कर देंगे अपनी घड़ी का टाइम आ जाएगा। ओके, कैलकुलेशन कैसे करते हैं? देखिए इस वॉच को टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है सर। एक व्हाइट मार्बल आपको यहाँ दिख रहा है, सेकंड व्हाइट मार्बल वॉल के ऊपर आता है। ओके, बिल्कुल इसके बीच में वॉल बनी हुई, इसका एंगल 27 डिग्री है, बिकॉज जयपुर का जो लैटिट्यूड है वो 27 डिग्री है। तो मॉर्निंग टाइम में संजय, राइट सर, मॉर्निंग में संजय यहाँ से राइज होगा ईस्ट, तो सुबह दीवार की शैडो उस वाले मार्बल पे जाएगी। तो मॉर्निंग टाइम बताएगा 6 से लेके 12 तक, और आफ्टर 12 इसकी शैडो यहाँ पे होगी, तो 12 से लेके शाम के 6 तक का टाइम दिखाएगा। अभी आप देख सकते हैं वॉल का शैडो बिल्कुल सामने दिख रहा है, और यहाँ पे देखे टाइमिंग लिखा हुआ सर 3 या 4, ये 1 आवर हो गया। 1 आवर को डिवाइड किया 4 पार्ट के अंदर, 1, 2, 3 एंड 4। 1 पार्ट कितने का हो गया? 15 मिनट। 15 को डिवाइड किया 3 पार्ट में, 1, 2, 3 5 मिनट्स, और 5 को डिवाइड किया 5 पार्ट्स में, 1, 2, 3, 4, 5 1 मिनट, और 1 को भी डिवाइड किया अगेन 3 पार्ट्स, 20 सेकंड 20 सेकंड 20 सेकंड। तो इस वॉच की जो एक्यूरेसी है वो है 20 सेकंड। अभी देखिए वॉल का शैडो वहां दिख रहा है सर, काउंटिंग करेंगे यहाँ पे 4 बज चुके हैं, 5, 10, 15, 16, 17, 4:17 प्लस ऐड कितना करना है 16 मिनट, 4:33 एग्जैक्टली टाइम हो गया। और बताया पोल स्टार एक ऐसा स्टार भी होता है जिससे आप किसी भी जगह का लैटिट्यूड मालूम कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चले कि आप कहाँ खड़े हुए हैं तब तक आप इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकते। सवाई जयसिंह ने 300 साल पहले जंतर मंत्र बनाया, तो उन्हें कैसे पता लगा कि जयपुर का लैटिट्यूड कितना है? तो उन्होंने सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट ये बनाया गया था, इसका जो एंगल आया ना यहाँ से वहाँ दिखेगा। ओके, जिसमें पता लगा कि जयपुर का लैटिट्यूड कितना है 27। तो हर जगह का लैटिट्यूड, सन क्या होता है ना, 6 मंथ नॉर्थ में रहता है, सन 6 मंथ साउथ में रहता है। तो राजा ने क्या किया, यहाँ पे 2 घड़ी बनाई, एक ये होने की इसके बैक साइड में, यानी कि जब तक नॉर्थ में रहेगा तो उसके पीछे वाली घड़ी पे लाइट आएगी, वो टाइम बताएगी, बट ये 6 मंथ बिल्कुल बंद हो जाती है, और जब तक साउथ में आएगा ये काम करेगा वो बंद हो जाएगी। साल में 2 दिन ऐसे आते हैं जब ये दोनों ही बंद हो जाते हैं, और वो था 21 मार्च एंड 23 सितंबर। दोनों बराबर होते हैं, तो राजा ने उस दिन के लिए भी क्या किया, इसके टॉप के ऊपर यू ने एक छोटी घड़ी बनाई, केवल 2 दिन वो टाइम दिखाती है। इस वक्त सन कहाँ है? साउथ में, देखो साउथ वाली घड़ी पे लाइट आ रही है। आप टाइम की कैलकुलेशन कर सकते हैं, बीच में रॉड लगी हुई दिख रही है आपको, हाँ जी। और रॉड का शैडो देखो ही जा रहा है, यहाँ पे 1 ब्लॉक 5 मिनट्स का है, 5, 10, 15 एंड दिस इज 20 एंड लगभग 21 प्लस ऐड करना है 16 मिनट। और अब अगर आप इसके बैक साइड में चल के देखेंगे तो वहाँ कम्प्लीटली आपको शैडो मिलेगा। ओके, तो ये साउथ वाली वॉच हो गई, नॉर्थ वाली हाँ अभी ओके राइट साउथ उधर हो गया।
तो फिलहाल अभी वर्किंग में नहीं है क्योंकि ये बंद है, और 6 मंथ इस पर कभी लाइट नहीं आएगा, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, किसी भी वक्त, क्योंकि ये काम करेगा 21 मार्च के बाद में। और इसका एनी 100 साल पहले किसी बच्चे का हॉरोस्कोप वगैरह बनाना होता था, कैलेंडर पंचांग वगैरह बनाने होते थे, स्टार्स लोकेशन देखनी होती, तब इसी को यूज़ किया जाता था उसको। आप देख सकते हैं पूरे क्लुकला की ग्लोब दिख रहा है बना हुआ ये, इसमें जो काफी सारी लाइन्स दिख रही है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे लाइन्स है, और सेंटर में जो होल बना हुआ दिख रहा है वो जयपुर की लोकेशन बता रहा है। बिना मेरे हाथ की शैडो दिख रही है, ये होल है जयपुर, जयपुर के नीचे बिल्कुल एक सीधी लाइन स्ट्रेट नीचे आ रही है, और ये जो लाइन जा रहा है इक्वेटर लाइन है। ये यहाँ पे देखिए 27 लिखा हुआ है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इक्वेटर से जयपुर 27 डिग्री कहाँ है, ऊपर है, नॉर्थ में है, और नॉर्थ को इंडिकेट कर रहा है नॉर्थ पोल जो यहाँ बना हुआ है। और इसी प्लेट पे देखिए काफी सारे नाम आपको लिखे नजर आ रहे हैं सर, पढ़ नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, एंड डिफरेंट कंट्री ये तो दिख रहा है लिखे हुए, हाँ जी राइट सर, ये 27 जो नक्षत्र होते हैं ना उनके नाम के ऊपर लिखे हैं। ओके, रात के समय क्या करते हैं जयपुर वाले होल के ऊपर सर एक टेलीस्कोप लगाया जाता है, मान लीजिए प्लेट है राइट, और ये सेंटर में होल है जयपुर, इसके ऊपर टेलीस्कोप बिल्कुल फिक्स करके इसको पर्टिकुलर समय पे और डिग्री पे घुमाना होता है, जैसे आप उसको मूव करेंगे नाइट के समय में तो आगे वाले पॉइंट पे नक्षत्र का नाम लिखा हुआ दिखेगा, और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो वही नक्षत्र ऊपर देखेंगे, हाँ आकाश में भी नजर आएगा, और जिस भी डायरेक्शन में आपको देखना है तो आप इस प्लेट को यू नो मूव भी कर सकते हैं, ये घूमता अच्छा है, ये तो पर्टिकुलर।